Hi everyone, in today's video I'll be sharing what you should do in 5 days to complete as much syllabus for your pre-board exams as well as your board exams. कैसे अच्छे से prepare करना है ताकि आपके pre-boards अच्छे से चले जाए and you can do more practice before your boards. So in this video I'll be sharing एकदम last moment study tips. By following all of this you will have that much of confidence कि आपके pre-boards and boards बहुत अच्छे से चले जाए and here's how. The first thing is obviously concept clarity. आपके concepts अच्छे नहीं होंगे तो आप कितना ही पढ़ लो गलत ही आने answers. So for that I would tell you definitely watch YouTube lectures as I always tell you. They really help. मैंने personally physics and chemistry के लिए अलग सर के पुराने videos, you know, PW के उनके पूरे पूरे playlist मैंने binge watch करे थे and it really really helped me. पूरा revision में बहुत help करा. Which channels you should prefer? I have shared in this video. Or you can see whichever channel you have been following या other students, your friends have been following. आप देख लेना but ऐसा ही channel को follow करना that is reliable. Do not follow any random channel like that. Do which is the best. Second thing is reading your entire chapter. Reading will help you gain that confidence. Personally for me चैप्टर रीड करने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी एंड ट्रस्ट मी फॉर यू ऑल्सो इट विल बी रियली गुड. रीड योर चैप्टर अलाउड वंस एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ वाइल डूइंग दैट सो यू कैन कीप प्लेइंग इट अगेन एंड अगेन. तो आपका रिविजन होता रहेगा. एक बार रीडिंग से किसी का भी अच्छे से होता नहीं है, मतलब वो एक बार सुन लेते हैं बट वो मेमोरी में जाना उसमें आई थिंक आपको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स यू शुड हेयर द चैप्टर और जस्ट सी एनी ऑडियो बुक इज बट ट्रस्ट मी आप खुद रीड करोगे वो आपको ज्यादा ही हेल्प करेगा. टेन्योर पेपर्स के लिए भी आई विल टेल यू एक बार करने से काम नहीं चलता है, मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ेगी. लेकिन अभी 5 दिन में कैसे करना है, यू शुड डू एटलीस्ट 1 पेपर विथ योर टाइमर ऑन. गो टू योर डेस्क, डिसाइड की 2 आवर्स का पेपर है, आई विल गिव माय सेल्फ 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम. कीप अ लिटिल स्मॉल टाइमर और यू कैन यूज योर फोन एज वेल, उसमें भी टाइमर आप सबके फोन में होता ही है. टाइम योर सेल्फ वाइल डूइंग इट. दिस इज टू सी इफ यू आर एबल टू कम्प्लीट योर पेपर ऑन टाइम एज वेल एज हैंड the exam temperament. Many students have faced this problem कि exam में हुआ नहीं answer लेकिन घर आके solve हो गया. exam में कोई छोटी mistake हो गई पर वो घर पे समझ आ गया कि अरे ये क्या करके आ गई मैं, है ना. तो वो थिंग अवॉइड करने के लिए आपको घर पे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सो एटलीस्ट 1 पेपर फॉर ईच सब्जेक्ट एंड अगर किसी सब्जेक्ट का पेपर बहुत ही बुरा गया देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सेकेंड और थर्ड. पर आप टेन्योर पेपर्स में से ही कुछ उठाना. सैम्पल पेपर्स आई विल नॉट रिकमेंड राइट नाउ. किसी भी ब्रांड का सैम्पल पेपर्स अभी मत करो. टेन्योर पेपर्स में से ही 1-2 पेपर्स डिसाइड कर लेना एंड अदर देन दैट बाकी के जो टेन्योर पेपर्स हैं उसमें आपको क्या करना है कि वो बुक लिया टेन्योर्स का, you see the question and try to solve it on your own. तो वो भी आप try करो timer के साथ या उससे faster करने की ही कोशिश करना. जैसे 2 hours का paper है तो 140 या फिर 1.5 hours में try to finish it off ताकि 30 minutes of time ले. घर पे जितना fast करने की कोशिश करोगे ना exam आपका अच्छा जाएगा. And बाकी के 10 years के लिए मैं यही बोलूँगी कि अपना questions देखो, ट्राई टू सॉल्व इट. फिर नहीं आ रहा है या कुछ भूल रहे हो तो डू नॉट यू नो जस्ट लूज होप, डोंट गिव अप. उसी बुक में आंसर्स देखो और वहाँ से लर्न कर लो, है ना. इट विल रियली हेल्प यू. मतलब हमारा मेन एम इज लर्निंग राइट नाउ, नॉट सीइंग और नॉट टेस्टिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड. अभी भी हम लोग लर्निंग फेज में है. पूरा प्री बोर्ड्स एक लर्निंग ही. इट टीचेस यू हाउ टू गिव द एग्जाम, हाउ टू हैंडल द प्रेशर एंड ऑल्सो complete the entire paper on time, everything like that. Pre-boards is for that only. So do not get stressed out. आपके boards बहुत अच्छे जाने हैं. Pre-boards are definitely more difficult than boards. So if you are able to give your pre-boards like एकदम mediocre या better than average types, तो आपका board exam 100% बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा. Definitely keep these things in mind and do not make silly mistakes या कुछ भी questions गलत करने के बहुत ways होते हैं. सबसे पहला if you read the question wrong or you did not understand, you misinterpreted the question, do not make that mistake. Read a question maybe 2 baar padh lo, thoda time extra lag jayega but at least you'll write the right answer. Fir usse kam se kam sahi answer to likh ke aaoge na. So definitely do not make that mistake. And dusra cheez, paper miss mat karna.
आप क्वेश्चंस कर रहे हो, कभी लास्ट पेज नहीं देखा, कभी कोई एक क्वेश्चन बीच में छूट गया, वो सारी गलतियां नहीं करनी है. सो आफ्टर यू कंप्लीट द एंटायर पेपर, डेफिनेटली गो बैक सी कि क्वेश्चन 1A आई डन इट, क्वेश्चन 1B आई डन इट, 2A 2B, सारा वो वैसे पहले चेक करना, उसके बाद में अपने आंसर्स देखना कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुआ है. ऑलवेज स्टे फोकस्ड व्हेन यू आर राइटिंग योर पेपर, इफ इट्स एट होम और इवन इफ यू आर इन स्कूल. पेपर को एकदम ध्यान से लिखना कि कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि सिली मिस्टेक्स जो करेगा उसके मार्क्स ऐसे जाएंगे ना, उसे लगेगा मैंने इतनी सारी पढ़ाई करी है, ये सब करा है, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, फिर इट्स जस्ट worthless, you know. So definitely be careful, do not make mistakes. Maths and all के लिए I would tell you एकदम step by step answers लिखना है. Question आते ही सबसे पहले formula, then write every single step. कि अगर आपका answer गलत भी हो जाए by chance, वो ना ही हो लेकिन अगर हो जाए तो 4 marks के question में आपके 3 marks तो मिल जाएंगे ना, कि आपने सारे स्टेप्स अच्छे से लिखे. फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर आई वुड टेल यू डेफिनेटली सी द वेटेज एनालिसिस, जो आंसर की बोलते हैं या कीवर्ड्स बोलते हैं उसे वो डेफिनेटली चेक करना कि आपको वो बोर्ड ने ही बता दिया है कि ये क्वेश्चन है तो हमें ये पॉइंट्स चाहिए, इनमें से कोई भी 2-3 पॉइंट लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे. एंड डेफिनेटली 3 मार्क का आंसर है तो उसमें 4 पॉइंट्स लिखो, 4 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स लिखो. हो सकता है कि आपके जो 2 पॉइंट्स है वो बोर्ड एक ही पॉइंट कंसिडर करता हो, इसलिए डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड. जितना पूछा उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिख दो, कम मत लिखना. एंड अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए वही लेक्चर्स देख लिया, रिविजन कर लिया, 10 ईयर्स करा, 10 ईयर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा, उसके बाद रेफरेंस बुक्स या टेक्स्ट बुक्स किसको प्रेफर करें. फॉर मी पर्सनली आई वुड टेल यू, आई वुड डिसाइड ऐसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आई विल गो विथ रेफरेंस बुक्स ओनली. रेफरेंस बुक्स जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट होता है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके हो एक बार, वो टेक्स्ट बुक वापस पढ़ने से उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा. बट सम हाउ फॉर बायोलॉजी एंड हिस्ट्री सिविक्स उसमें टेक्स्ट बुक रीड करने से फायदा होता है. तो हर सब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट मेथड होता है फॉर स्टडी. सो आप अपने सब्जेक्ट जैसे आपके लिए काम किया वो देख लो, या जैसे मैं बोलती हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जैसे मुझे रेफरेंस बुक्स हेल्प करते थे, बायोलॉजी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी उनके लिए टेक्स्ट बुक करते थे. वो सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पढ़ाई करनी है. जैसे बायो में डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ज्योग्राफी में मैप्स, मैप्स इज फ्री के मार्क्स. मैप्स मैंने इतने अच्छे से प्रैक्टिस करा था ना, टेल यू टू मैप्स के सारे पिक्चर्स लाइक जो जो चीज़ें आपको लर्न करनी चाहिए वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी है, तो आप डेफिनेटली वो चेक करना. आज मैं सारे रिवर्स एंड वाटर बॉडीज मार्क करूंगी. अब घर पे मैंने बहुत सारे प्रिंट आउट्स रख रखे थे अपने मैप्स के, सारे वाटर बॉडीज में मार्क करना स्टार्ट करती हूँ. एंड कुछ मिस आउट हुआ देन आई विल कीप दैट इन माइंड, और फिर ध्यान सारी चीज़ें देख के उसके बाद 10 ईयर्स में जैसे नाम लिखा हुआ है तो वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना, नाम है तो फिर मार्क दैट, फिर ये है मार्कदार, ऐसे ऐसे करके आप प्रैक्टिस करोगे. फिर आप देखना कि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हुई है कि ये वाला है या ये वाला है, वो छोटी छोटी गलतियाँ ना हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा. सो डेफिनेटली डू दैट वेरी नाइसली. लाइक मैप्स एंड टोपो इतने ईजिली मार्क्स मिलते हैं ना उसमें, मैं बता ही नहीं सकती. सैम्पल पेपर्स अभी करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग एनी सैम्पल पेपर्स राइट नाउ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास. और 5 डेज में आपको कैसे करना चाहिए, आई विल टेल यू, Day 1 and Day 2 शुड बी सिलेबस कम्प्लीशन एंड रिविजन. तो उसमें आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा रिवाइज करो, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो. उसके बाद Day 3 शुड बी ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड 10 ईयर्स का एक सेट कर लिया, जैसे 3 घंटे बैठ के एक पेपर दे दिए उसको एनालाइज कर लिया, उसके अलावा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए जो भी छोटी मोटी क्वेश्चंस वगैरह है. आप इजीली 3-4 डेज में अपना पूरा पूरा एक एक सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो. अभी तो स्कूल्स में भी प्रेपरेटरी लीव्स मिल ही रहे होंगे, सो यूटिलाइज दैट वेरी नाइसली. फोन और कोई भी डिस्ट्रैक्शन होता है उसे अपने से दूर ही रखो. अभी एग्जाम टाइम आ गया है, स्पेशली अभी लाइक पूरे साल जो हुआ हुआ, लेकिन अभी जो अच्छे से पढ़ लेगा ना उसके अच्छे मार्क्स आने ही आने. जो पूरा ईयर पढ़ाई नहीं करता और लास्ट में एकदम अच्छे से संभाल लेगा ना उसके आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. सो डेफिनेटली डू नॉट वेस्ट दिस टाइम. एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन आई एम डूइंग अ गिव अवे फॉर 15K सब्सक्राइबर्स, मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर करा था. सो डेफिनेटली ज्वाइन द गिव अवे, ऑल द रूल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. मेन रूल यही है कि आपको सब्सक्राइब करना और मेरी ICSE प्लेलिस्ट अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है. उसके बाद
एक गूगल फॉर्म है, बस वो फिल करना है आपके डिटेल्स के साथ ताकि मैं आपको रीच आउट कर सकूँ। और बाकी आपके प्रेफरेंसेस की, कौन सी बुक्स आपको चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स आप प्रेफर करते हो, वो सारी चीज़ें। देयर विल बी 3 विनर्स एंड अभी तक मैंने देखा है फॉर्म में ज़्यादा लोगों ने नहीं भरे हैं, तो योर चांसेज ऑफ विनिंग आर इंक्रीजिंग, सो डेफिनेटली डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। गिव अवे में मैंने मेंशन करा है कि आपको न्यू बुक्स भी मिल सकते हैं, थोड़े ओल्ड बुक्स भी मिल सकते हैं, जो भी है ओवरऑल आपकी हेल्प ही होगी, उसमें कोई लॉस नहीं है। तो डेफिनेटली डू दैट नाइसली एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। चलो बाय।